राम भाई लोग, गुड मॉर्निंग। अभी बज चुके हैं 8:15। आज तैयार हो चुके हैं कॉलेज जाने के लिए। और आज भी मौसम भी बढ़िया है, आप लोग देख सकते हैं। आज कोहरा नहीं, लेकिन ठंडी तो है फिलहाल। देखते हैं, ये वही जगह है जहाँ पे कल कुछ दिख नहीं रहा था। आज एकदम साफ है, बस ठंडी है। कोहरा का कोई भी रूप नहीं दिखाई दे रहा है। कल यही दिख नहीं रहा था, एकदम कोहरा एंड कोहरा था। ये आ चुका है एकदम। चलते हैं, ब्लेजर पहनते हैं, उसके बाद कुछ खा के निकलते हैं क्लास करने, क्योंकि आज क्लास भी है और प्रैक्टिकल भी। चलो मिलते हैं फिर। नहीं भाई, आ चुका है रिंग रोड। एक नंबर है, नंबर पड़ा रहता ना रिंग रोड पे। रिंग रोड का नीचे अभी बज चुका है 7:30। और आज चल रहे हैं खाना बनाने, क्योंकि आज ना तो सुबह से खाना बनाने का मौका लगा और ना ही खाने का। कॉलेज, कॉलेज के बाद प्रैक्टिकल क्लास, सब ऐसे ही चलता रहा। 5 बजे आए वापस, उसके बाद से सोचते सोचते अब बनेगा, अब बनेगा। 7:30 बज गया तो फाइनली अब बनेगा खाना। चलते हैं बनाने खाना। ये रही हमारी किचन, फिर मिलते हैं। अभी फिलहाल सब्जी कट चुकी, बनाया जाएगा सब्जी। ये रही, इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद बनेगी रोटी, उसके बाद फिर मिलते हैं जब खाना कंप्लीट हो जाता है। अच्छा एक बात, आप कुछ लेने जाएंगे तो हम लोग इलाहाबाद रहते रहे तो वहीं की आदत पड़ी है, किसी चीज़ को एक पाव मांग लेना 5 रुपए 10 रुपए की, तो पहले दुकान वाला आपका मुंह देखता है, क्या यार ये 5 रुपए की मांग रहा। ऐसा नहीं दे देते हैं, लेकिन जैसे उनके तरफ बोल दीजिए कि भाई 5 रुपए का ये दे दो या एक पाव ये दे दो, तो पहले एक बार देखेगा तुम्हारे मुंह की तरफ। हम लोगों तो आदत वही इलाहाबाद वाला है, कोई चीज़ जितना ज़रूरत हो उतना थोड़ा सा लेना बस। चलो फिलहाल आगे देखते हैं। फिर आज है हिंदी दिवस और आप सभी लोगों को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि हिंदी साहित्य जगत के एक महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म स्थली यानी कि लमही में मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त है। विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों को एक मैं कविता सुनाता हूँ कि भरा नहीं वो भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। और ये खाना बन चुका है, अब चलते हैं खाते हैं। आज का मिनी ब्लॉग यहीं करते हैं समाप्त। आप सभी को शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।